वाली नदी। मुझे बताइए हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही हैं? दूध की नदी बोली, पहले तुम दूध के साथ मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही हैं। लड़की बोली, मैं नहीं खाती दूध के साथ तुम्हारी पुडिंग, मैं तो अपने घर की बनी हुई पुडिंग भी नहीं खाती। और दूध की नदी ने भी उसको नहीं बताया कि वे हंसनिया उड़कर कहाँ जा रही थी। इस तरह से वह काफी देर तक मैदानों में और जंगलों में भागती रही। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। वो यही नहीं जान पाई कि वे हंसनिया उड़कर कहाँ गईं। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, सो शाम होने पर उसको घर लौटना पड़ा। जैसे ही वह घर वापस आने के लिए पलटी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक केबिन है जिसमें केवल एक छोटी सी खिड़की है। उस केबिन में तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी, बाबा यागा। वो वहाँ बैठी बैठी रुई काट रही थी। उसके पास ही चांदी की एक बेंच पर उसका अपना भाई बैठा था जो एक चांदी के सेब से खेल रहा था। सो वह लड़की उस केबिन में भागी गई और उस बुढ़िया से बोली, ओ छोटी बुढ़िया। इससे पहले कि वह लड़की उससे आगे कुछ कहती या पूछती, वह बुढ़िया बोली, ओ लड़की, तुम ऐसे मेरे घर में भागती हुई क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं जंगल और दलदल में से होकर भागती चली आ रही हूँ। मेरी पोशाक फटकर तार तार हो गई है। मैं यहाँ थोड़ी सी गर्मी लेने आई, तुम यहाँ बैठो और लो यह रुई का तो, मैं अभी आती हूँ। कहकर बाबा यागा ने उसको एक तकली दी और उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। लड़की उसका सूत काटने लगी। अचानक स्टोव के नीचे से एक चूहा निकला और उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ लड़की, मुझे थोड़ा सा दलिया दे और मैं तुझको वह सब बताऊंगा जो तू जानना चाहती है। लड़की ने उसको थोड़ा सा दलिया दे दिया तो वह चूहा बोला, बाबा यागा आग लाने के लिए अपने नहाने वाले कमरे में गई है, वो तुझे भाप में पकाने वाली है, फिर वह तुझे ओवन में रख कर भूनेगी और खा लेगी, उसके बाद वह तेरी दो हड्डियों पर चढ़ कर चली जाएगी। यह सुनकर तो वह लड़की तो सकते में आ गई और रो पड़ी। पर चूहा आगे बोला, बस अब तू किसी चीज का इंतजार मत कर, यहाँ से अपने भाई को उठा और भाग जा, मैं तेरी जगह बैठकर यह रुई काटता हूँ। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहाँ से भाग ली। जब वो वहाँ से चली गई तो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ